होय होय होय, हाय रे फूटी किस्मत, ये कैसी किस्मत है। बिग बॉस ने तो यहाँ पर चाबुक ही चला दिया ऐसा लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल डेली खजाना में। सेट पर से आई है बड़ी अपडेट, बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान की है। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने मेरे नए चैनल राहुल वॉच कॉमेडी को अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है यारो, जाके वहां पे ढेर सारा प्यार बरसाओ, यानी कि उसे भी सब्सक्राइब कर दो। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है खास। दरअसल खास ये हुई है बात कि यहां पर अभिषेक मल्हान को बिग बॉस ने कर दिया सीधा नॉमिनेट। जी हाँ, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए अभिषेक मल्हान को सीधा बिग बॉस ने कर दिया है नॉमिनेट। इसके पीछे बड़ी वजह है, एक्चुअली अभिषेक ही नहीं बल्कि जिया को भी और साथ ही साथ आकांक्षा को भी नॉमिनेट कर दिया है फिर से। बता दूं आपको तो आलिया सिद्दीकी को आज बिग बॉस ने आउट कर दिया, बेसिकली ये बात बोल के कि जनता का वार, जनता का वार, जनता की वजह से हुई है, जनता की वजह से। बट वी ऑल नो दैट कि आलिया वॉज नॉट गिविंग अ कॉन्टेंट, सिंगल कॉन्टेंट। खाली वहां पे राशन फूकने से अच्छा है कि उसको निकाल ही दो और कोई नई वाइल्ड कार्ड एंट्री को ले आओ। हालांकि नॉर्मल बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड जो है इतनी जल्दी नहीं आते हैं, बट ये तो भाई 6 हफ्तों तक का ही सफर है, तो ऐसे में एक हफ्ता हो गया, दूसरा हफ्ता चल रहा है, बाकी बचे 4 हफ्ते, तो देखो क्या ही उखाड़ते हैं लोग, समझ में आ जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अब अभिषेक मल्हान को क्यों किया है। दरअसल अभिषेक ने तोड़ दिया है रूल, और ये रूल तोड़ा है इसकी वजह से ये हरकत हुई है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बिग बॉस के घर में ओपनली यू कांट डिस्कस द नॉमिनेशन, आप नॉमिनेशन को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर सकते। बट अभिषेक बीइंग एन अभिषेक, उसने क्या किया दोस्तों, अभिषेक ने जो है बिग बॉस के घर में ही बिग बॉस के ही नियम के सामने ये सब तोड़ ताड़ दिया, यानी कि बिग बॉस के सामने ही उसने जो है घर से बेघर होने के लिए लोगों का डिस्कशन शुरू कर दिया। और अकेले ही नहीं किया, उसकी लुटिया जो है आकांक्षा पुरी और जिया के साथ भी लुटी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो आकांक्षा और जिया यानी कि तीन लोग अगेन इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो गए हैं। ये हमें कल के दिन दिखाया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन तो नहीं, और आज जो आलिया आउट हुई है वो भी कल के दिन दिखाया जाएगा मिड वीक इविक्शन करके। देखते हैं फिर उसके बाद इन तीनों में से कौन आउट होता है, या फिर सिर्फ बिग बॉस ने डरने के लिए ही करा दिया है। देखो अभिषेक को तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, उसकी फैन फॉलोइंग इमेंस है, और अभिषेक जो है एक अलग ही लेवल पे जाएगा। मुझे आकांक्षा और जिया का लग रहा है कि इन दोनों में से किसको कम वोट मिलेंगे, जिया को मिलेंगे, आकांक्षा को मिलेंगे, और इन दोनों में से कौन आउट होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे अगर ये लोग अभिषेक को आउट करके सीधा या आकांक्षा को आउट करके सीधा अगर वो वाले कॉमन रूम में रखेंगे तो उससे ज्यादा फुटेज मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है जैसे एक शो में नया ट्विस्ट आ सकता है। जस्ट अ वाइल्ड थिंकिंग, आपको क्या है कहना कमेंट करके जरूर बताएं, और बने रहें चैनल के साथ। बाय बाय।